हेलो एवरीवन, कैसा काय। देखो, वी ऑलरेडी नो कि जो रेट कांस्टेंट है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि वो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, उस पर बेस्ड किस टाइप के प्रॉब्लम आते हैं एंड उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है विदाउट कैलकुलेशन, वो भी रफ़ी सर के सिंपल ट्रिक से। तो उसके बारे में मैं डिटेल डिस्कशन करने जा रहा हूँ। तो पहले ध्यान से समझे पॉइंट नंबर वन कि जो रेट कांस्टेंट है के वो बराबर किसके होता है, ए इंटू ई की पावर माइनस ए बाई आर टी, राइट। ये इक्वेशन सबको मालूम होता है। तो इसमें पॉइंट सब जो इम्पोर्टेंट है कि कौन क्या रिप्रेजेंट करता है, कभी कभी इस पे बेस भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो आपका के है वो एक्चुअली रेट कांस्टेंट है, ओके, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं है, रेट कांस्टेंट है, ये ध्यान देना। उसके बाद यहाँ पे जो आपका ई ए है वो है एक्टिवेशन एनर्जी। क्या है ये एक्टिवेशन एनर्जी, क्या है ये, वेरी सिंपल। अगर मैं एनर्जी वर्सेज रिएक्शन कोऑर्डिनेट का ग्राफ ड्रॉ करूँ तो ये जो मॉलिक्यूल सब यहाँ पे मैंने दिखाया है, इसको एक मिनिमम एनर्जी चाहिए यहाँ तक आने के लिए। अगर वो इस पीक पॉइंट पर आ गया तो इधर खुद ही वो आ जाएगा। तो इसीलिए वो मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड होता है रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल को, उसको बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। इसलिए आप उसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो पॉइंट नंबर टू में कि एनर्जी बिलो विच कोलाइडिंग मॉलिक्यूल विल नॉट रिएक्ट। तो वो एक मिनिमम एनर्जी मॉलिक्यूल को चाहिए, क्योंकि उससे कम अगर हो गया तो फिर वो मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इसलिए एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो एनर्जी होती है जिससे कम एनर्जी होने पे मॉलिक्यूल रिएक्ट नहीं करते हैं, उससे ज़्यादा होगा तो मॉलिक्यूल रिएक्ट कर सकता है, राइट। तो यहाँ पे हमें ई ए के बारे में क्लियरली समझ लेना है। वैसे ही आर क्या है, तो आर एक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू फिक्स है एसआई यूनिट में 8.314, जिसको कैलकुलेशन को इजी करने के लिए मैं 25/3 भी यूज कर सकता हूँ, यूनिट जूल पर मोल पर केल्विन, राइट। तो आर के बारे में क्लियर है। टी यहाँ पे टेम्परेचर है, और टेम्परेचर ऑलवेज हमें किस में पुट करना है, केल्विन में, ये भी ध्यान रखना है। पूरी केमिस्ट्री में टेम्परेचर जहाँ भी पुट करना हो तो केल्विन में। तो टेम्परेचर के बारे में क्लियर है, आर के बारे में क्लियर है। नाउ पूरा ये टर्म ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी क्या हो गया, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनफ एनर्जी टू रिएक्ट। वो जो आगे का ये जो पार्ट है ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी, वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनफ एनर्जी टू रिएक्ट, क्योंकि यही बताया कि इसको एक पहाड़ मानो, तो यहाँ तक अगर मॉलिक्यूल पहुँच गया, इतना अगर उसके पास एनर्जी है, ये जो गैप है इतना एनर्जी, तो फिर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए ये पॉइंट समझना है, कभी कभी पूछ लिया जाता है ये ना दे करके, फाइंड फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनफ एनर्जी टू रिएक्ट, तो डेट मीन्स आपको क्या निकाल देना है, रेट कॉन्स्टेंट बाय ए का रेशियो, ये आपसे पूछा जाता है। ध्यान से देखो ए क्या है यहाँ पे, तो उसको बोलते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। क्यों, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन से पहले आ रहा है, तो इसलिए प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, या फिर इसी को फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोलते हैं, जिसकी जनरली वैल्यू आपको गिवन होगी या फिर वो कैंसल आउट ही हो जाते हैं, रेशियो वाले प्रॉब्लम करते हैं, इसलिए उसके बारे में ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है। और यहाँ पे ई जो है वो एक मैथमेटिकल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 2.718 होता है। तो पहले ये चीज़ आप समझ लो, इस पे बेस भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फाइनल पॉइंट हमारा क्या हो गया कि टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड कर रहा रेट कांस्टेंट, के इज इक्वल टू ए इंटू ई की पावर माइनस ए बाई आर टी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो डिपेंडेंसी है रेट कांस्टेंट का टेम्परेचर पर, रेट कांस्टेंट का टेम्परेचर पे, वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इसीलिए हम अगर बात करें कि हमारा रिएक्शन अगर इंडोथर्मिक है तो इस टाइप से आपको ड्रॉ करना पड़ेगा फॉर इंडोथर्मिक। क्यों, टेम्परेचर अगर आपका बढ़ रहा है तो रेट कांस्टेंट उसमें बढ़ता है, और इस टाइप से आपको बनाना है। ध्यान दें, इस टाइप का आपको नहीं बनाना है। क्यों, क्योंकि आप ऐसा अगर बना दें तो क्या हो गया कि एक टेम्परेचर के बाद आपका रेट कांस्टेंट ऑलमोस्ट क्या हो गया, वेरी करना बंद कर दिया, इसलिए ये नहीं होगा। तो दिस इज फॉर इंडोथर्मिक रिएक्शन। और अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो वी नो टेम्परेचर के साथ रेट कांस्टेंट कम होगा, तो उसका ग्राफ आपको ऐसे बनाना है, डैट मीन्स ऑलवेज कर्व बनेगा। क्यों, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो इसलिए कर्व बनेगा, स्ट्रेट लाइन नहीं बन सकता, अगर के वर्सेस टी की बात कर रहा हूँ मैं। और इंडो होगा तो इस टाइप से बनाना है इंक्रीजिंग, एक्सो होगा तो डिक्रीजिंग बनाना आपको।
तो चलिए अब हम बात करते हैं ट्रिक्स की। तो यहाँ पे k इज इक्वल टू a इंटू e की पावर माइनस ई ए बाई आर टी है। दोनों साइड आप नेचुरल लॉग ले लो तो एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए और माइनस ई ए बाई आर टी हो जाएगा, राइट। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, राइट। इस पे बेस्ट क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, तो ग्राफिकली भी और इस टाइप से दोनों टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो अभी हम एप्लीकेशन में देखेंगे भी। बस पॉइंट यहाँ पे ये ध्यान देना है कि यहाँ पे मैंने नेचुरल लॉग लिया है। अगर लॉग विथ बेस 10 में बात करूँ, लॉग के अगर ऐसे लिखा हो तो दोनों में डिफरेंस है, फिर यहाँ पे 2.303 आएगा। क्यों? क्योंकि कहीं पे भी अगर ln लिखा है तो वो लॉग विथ बेस ई है, और सिर्फ लॉग लिख दिया है तो लॉग विथ बेस 10 है। इसलिए क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है कि आपको लॉग बोल रहा है या नेचुरल लॉग बोल रहा है, क्लियरली वो मेंशन करेगा। और नेचुरल लॉग से लॉग में जाना हो तो 2.303 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे ये चीज़ आए नेचुरल लॉग से मैं लॉग में चला गया हूँ। तो दोनों का ध्यान रखना, दोनों से जब ग्राफ बनाएंगे ln k वर्सेज 1/t तो स्लोप सिर्फ माइनस ई ए बाई आर हो जाएगा, ये वाला पॉइंट, क्योंकि ये y एक्सिस पे है, ये सम कॉन्स्टेंट c माइनस mx इस टाइप का हो गया। बट वहीं पे log k, सिर्फ ध्यान से देखो ln है यहाँ, log k वर्सेज 1/t सेम रहेगा, तो स्लोप में माइनस ea बाई आर तो होगा ही, और 2.303 से और डिवाइड करना पड़ेगा। इसलिए ध्यान देना आपको, कई बार यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं। पॉइंट नंबर टू कि अगर एक टेम्परेचर T=T1 पे रेट कॉन्स्टेंट K1 है, T=T2 पे रेट कॉन्स्टेंट K2 है, तो आपको कैसे रिलेट करना है टेम्परेचर को। वेरी सिंपल, ln ऑफ K2 बाई K1 इज इक्वल टू ea बाई आर 1/T1 माइनस 1/T2। अगेन यहाँ पे बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, आपको कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सिंपल ध्यान दो, यहाँ पे वो वैल्यू पुट करो जो कम हो, ताकि ये वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, 1/ में है, और यहाँ पे ज़्यादा वाला पुट करो ये कम हो जाएगा, तो ओवरऑल ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। r पॉजिटिव होता है, ea पॉजिटिव होता है, इसलिए फिर यहाँ पे आप वैसी वैल्यू पुट करो जहाँ पे log पॉजिटिव हो, डैट मीन्स K1 छोटा होना चाहिए और K2 बड़ा होना चाहिए। तो वेरी सिंपल है, इसलिए इसमें कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। इधर भी पॉजिटिव बनाओ, इधर भी पॉजिटिव बनाओ, आप देख लो, एडजस्ट कर दो अपने हिसाब से। तो ये आपका अगर एक टेम्परेचर T1 पे रेट कांस्टेंट K1 है, तो T2 पे रेट कांस्टेंट क्या होगा, इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी यूज होगा। अगेन वही पॉइंट कि ये नेचुरल लॉग में अगर ले जाएंगे तो ये 2.303 कन्वर्जन फैक्टर का डिवाइड हो जाएगा, इसलिए ध्यान रखना है। कभी कभी इस टाइप का इक्वेशन देगा तो वहाँ से कंपेयर करके निकालने में इसी का गलती होता है, इसलिए इस पॉइंट पर ध्यान देना आपको। और जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट एक ये है कि जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसकी टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी बढ़ेगी, अगर वो बढ़ेगा तो। क्यों? क्योंकि यहाँ से समझो, एक्टिवेशन एनर्जी मतलब यहाँ से यहाँ तक का गैप, तो जितना ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी होगा टेम्परेचर उतना ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा उस मॉलिक्यूल को वहाँ तक ले जाने में। इसलिए अगर एक्टिवेशन एनर्जी किसी रिएक्शन का इंक्रीज हो रहा है, डैट मीन्स वो रिएक्शन टेम्परेचर पे ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंड हो रही है, क्योंकि आप टेम्परेचर दोगे तभी वो रिएक्शन होगी। क्यों? क्योंकि वो गैप बढ़ गया, राइट। और ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से ध्यान से देखो, अगर ई ए बढ़ेगा चूँकि माइनस लगा हुआ है तो 1/ea/RT हो जाएगा, तो ये वैल्यू कम होगी, इसलिए आपका रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस पॉइंट को अच्छे समझ लेना, एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज होता है तो रिएक्शन का टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी बढ़ेगा और रेट कांस्टेंट कम होगा। अगर कहीं पे एक्टिवेशन एनर्जी जीरो हो जाता है तो सर, तो देखो जीरो पुट कर दोगे तो ये 1 हो जाएगा, डैट मीन्स रेट कांस्टेंट आपका फ्रीक्वेंसी फैक्टर के बराबर हो गया, डैट मीन्स रेट कांस्टेंट इस केस में इंडिपेंडेंट ऑफ टी है। तो रेट कांस्टेंट टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट कब हो सकता है, जब एक्टिवेशन एनर्जी जीरो हो। तो इस पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे। तो अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन की, और ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने तीनों क्वेश्चन जो लिए हैं वो कंपैरिजन वाले लिए हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए 2022 में, 2021 में, राइट। तो हमारे पास फार्मूला क्या था, के इज इक्वल टू ए इंटू ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी, या एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए बाई आर टी, या लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए बाई 2.303 RT। तो इसको जस्ट कंपेयर करना है आपके गिवन इक्वेशन से और आपका आंसर आएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में कि के इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट ई की पावर माइनस 26000, ये कैलविन है, के बाई टेम्परेचर टी कैलविन में, तो आपको एक्टिवेशन एनर्जी बताना है। तो यहाँ से कंपेयर करो, तो ये ए की वैल्यू हो गया ई की पावर, तो यहाँ से ध्यान से देखो टी है ही, तो डैट मीन्स वी कैन से
कि 26000 इज इक्वल टू ई ए बाई आर, तो हमें क्या निकालना है ई ए, और ध्यान दो किलो जूल पर मोल में, तो ई ए कितना हो जाएगा 26000, आर की वैल्यू 8.314 ले लो, और चूंकि किलो जूल में ले जाना है ये अभी जूल में आएगा तो 1000 से डिवाइड कर दो, तो ये आपका 30 से 30 कैंसिल हो जाएंगे, अप्रॉक्सीमेटली 216 किलो जूल पर मोल ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, एलएन के इज इक्वल टू सम कांस्टेंट माइनस 2×10⁴ केल्विन बाय टेम्परेचर है, तो ई ए बताना है, तो इस इक्वेशन से कंपेयर करो, तो ध्यान से देखो ये जो वैल्यू है ई ए बाय आर के बराबर हो जाएगा 2×10⁴। हमें एक्टिवेशन एनर्जी किलो जूल पर मोल में बताना है, तो यहाँ से देखो एक्टिवेशन एनर्जी ई ए कितना हो गया 2×10⁴, आर की वैल्यू पुट कर दो 8.3, राइट किलो जूल में लेना है तो 10³ से डिवाइड, तो ये 1 10 बच जाएगा, तो ये ध्यान से देखो तो ये 8 to the 16, तो 166 आ जाएगा आपको आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में लॉग के इज इक्वल टू सम कांस्टेंट माइनस 2.47×10³ गिवन है, और अगेन एक्टिवेशन एनर्जी, तो ये दोनों क्वेश्चन सेम नहीं है बेटा, बस ध्यान देना है यहाँ लॉग ले लिया है, तो इसलिए अब जो आप लिखोगे तो क्या लिखोगे ई ए बाई आर इंटू 2.303 इज इक्वल टू 2.47×10³। ये पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, इसी का गलती होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लॉग लिख दिया तो वो विथ बेस 10 है, और अगर नेचुरल लॉग लिखता है एल एन तो बेस ई है, तो दोनों में डिफरेंस है, तो यहाँ से ई ए कितना आ जाएगा 2.47×10³ इंटू आर 8.3 इंटू 2.303, तो किलो जूल में ले जाना है तो ये किलो जूल का आ गया, तो इन सब को मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपको आ जाएगा 47 किलो जूल पर मोल, तो ये पॉइंट को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में एंड 5 में और 6 में सब में ग्राफिकल प्रॉब्लम गिवन थे, तो इस टाइप से ध्यान से देखो कैसे है, अगेन आपको रीड करना है, ये एल एन के वर्सेज 1/T ग्राफ है, तो एक्टिवेशन एनर्जी पूछा है तो इसका स्लोप आप निकाल लो, क्यों, क्योंकि वी नो एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए बाई आर टी, तो ग्राफ जब वो एल एन के वाई एक्सिस पे, राइट, और ध्यान से देखो 1/T आपका एक्स एक्सिस पे, तो जो स्लोप हो गया वो किसके बराबर है ई ए बाई आर के, डेट इज इक्वल टू, यहाँ से स्लोप हम निकाल सकते हैं वाई टू माइनस वाई वन, राइट, तो 20/5 डेट इज 4, तो यहाँ से ई ए कितना हो जाएगा 4×, कैलोरी में निकालना था, आर की वैल्यू 2 होती है तो 2 डेट इज 8 कैलोरी पर मोल, तो योर आंसर विल बी 8, तो बस कंपैरिजन का ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में एल एन के वर्सेज 10³ ग्राफ गिवन है, और उसका स्लोप तो एक्टिवेशन एनर्जी पूछा है, तो अगेन वी नो एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए बाई आर टी, बट यहाँ पे 10³ है तो मैं इसको 10³ से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकता हूँ, तो 10³/T तो इसने क्या ले लिया एक्स एक्सिस पे, और एल एन के आपका वाई एक्सिस पे, तो ये हो गया सी माइनस स्लोप, आप ध्यान से देखो क्या हो गया ई ए बाई आर इंटू 10³, बस इसका ध्यान रखना है ई ए बाई आर इंटू 10³ स्लोप है, जो कि किसके बराबर हो जाएगा 18.5 के, तो हमें एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है किलो जूल में, तो इसलिए यहाँ से देखो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगा 18.5×R 8.3×10³, और हमें ये जूल में आया किलो जूल में निकालना है तो 10³ से आपको डिवाइड, तो ये कैंसिल ही हो जाएंगे, तो किलो जूल में आ जाएगा, तो 18.5×8.3 कितना हो जाएगा 154 के आसपास। क्वेश्चन नंबर 6 में लॉग के वर्सेज 1/T ग्राफ आपको गिवन है, स्लोप गिवन है, तो एक्टिवेशन एनर्जी, तो वी नो की लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए बाई 2.303 आर टी होता है, बस इस पॉइंट का ध्यान देना है, तो लॉग के जो है आपका वो वाई एक्सिस पे है, और ध्यान से देखो 1/T आपका एक्स एक्सिस पे, तो इसका मतलब जो स्लोप है ई ए बाई 2.303 आर है, डेट इज इक्वल टू 10³, बस कंपेरिजन कर देना, तो यहाँ से ई आ जाएगा 2.303×R 8.3×10⁴, ये जूल में आएगा, आपको किस में निकालना है किलो जूल में, तो 10³ से डिवाइड कर देंगे तो 1 10 बच जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो यू विल गेट 191 आंसर।
क्वेश्चन नंबर सेवन में ए गिव्स यू बी, डेल्टा एच आपको गिवन है 20 किलो जूल पर मोल और एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड का अनकैटलाइज रिएक्शन का 300 गिवन है एट 327 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन में आपको एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड कैटलाइज रिएक्शन का पूछा है, कंडीशन क्या गिवन है कि जो कैटलाइज रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है 27 डिग्री सेल्सियस पे वो बराबर है अनकैटलाइज का 327 डिग्री सेल्सियस पे। तो ध्यान से देखो, बहुत इजी होते हैं ये सब क्वेश्चन, कैसे करना है आपको, आपको जो गिवन है उसको पहले लिख लो। एक तरफ कैटलाइज का गिवन है और एक तरफ अनकैटलाइज का। वी नो रेट कॉन्स्टेंट के इज इक्वल टू ए इंटू ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी होता है, राइट। तो कैटेलाइज रिएक्शन का अगर मैं रेट कांस्टेंट लिखूं तो ए इंटू ई के पावर माइनस ई ए नहीं मालूम है बाय आर टेम्परेचर 27 मतलब 300, दिस शुड बी इक्वल टू अनकैटेलाइज में ए इंटू माइनस ई ए आपको गिवन अनकैटेलाइज का कितना 300 बाय आर और टेम्परेचर ये 327 पे तो 600। तो देखो ए से ए कैंसिल हो गया, अब ये दोनों चीज़ इक्वल कब हो सकते हैं, अब ध्यान से देखो यहाँ पे 300 से ये 2 टाइम्स में, तो यहाँ पे ई ए को कितना होना पड़ेगा, ध्यान से देखो 150, क्योंकि 150 होगा तभी जा करके ये 2 टाइम्स में कैंसिल होगा और दोनों सेम होंगे। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड का आ गया है, किसका, कैटेलाइज रिएक्शन का, यह आ चुका है। नाउ वी नो कि कैटलिस्ट ऐड करने से डेल्टा एच पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो डेल्टा एच यही पॉइंट था वहां पे, डेल्टा एच 20 है, तो डेल्टा एच ऑलवेज कैसे डिफाइंड होता है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड। डेल्टा एच आपको मालूम है हाउ मच, 20 किलो जूल पर मोल। ई ए फॉरवर्ड अभी आप निकाल चुके हो कितना, कैटलाइज के लिए 150, ये सब कैटलाइज के लिए लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि डेल्टा एच कैटलाइज हो या अनकैटलाइज हो सब में सेम रहेगा, माइनस ई ए बैकवर्ड, तो ई ए बैकवर्ड आपको बताना था, तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो 150 माइनस 20 इज 130। इससे इजी क्या हो सकता है आप बताओ, क्योंकि जब आप कैटलिस्ट ऐड करेंगे तो ध्यान से देखो कैटलिस्ट ऐड करने से फ़र्क क्या पड़ता है, अगर ये रिएक्टेंट है ये प्रोडक्ट है, अगर ये अनकैटलाइज रिएक्शन है तो कैटलिस्ट जब आप ऐड करोगे तो ध्यान से देखो सिर्फ ये पीक पॉइंट चेंज हो जाएगा, राइट। बट अभी भी देखो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट वही है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट वही है, राइट, इसलिए आपका डेल्टा एच अभी भी वही रहेगा, इसलिए इस पॉइंट को इस क्वेश्चन में ध्यान देना था। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको गिवन है कि एडजॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन ऑन निकेल एक्टिवेशन एनर्जी 30 किलो जूल पर मोल है, और उसी हाइड्रोजन का अगर एडजॉर्प्शन प्लेटिनम सरफेस पर है तो 41.4 किलो जूल पर मोल है एट 300 केल्विन। तो लॉगरिदम ऑफ रेशियो ऑफ रेट्स बताना है, तो ध्यान से देखना वर्ड में फंसाया, लॉगरिदम निकालना, डेट मीन्स लॉग विथ बेस 10, नेचुरल लॉग होता तो वो क्लियरली लिखता कि नेचुरल लॉग निकालो। तो यहाँ पे पहले आप क्या करेंगे, वी नो रेट कांस्टेंट के इज इक्वल टू ए इंटू ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी, अगर मैं के निकेल का लिखूँ तो क्या हो जाएगा, ए इंटू ई की पावर माइनस ई ए आपको गिवन था 30, ध्यान देना किलो जूल में है, तो 10 की पावर 3 बाई आर और टी आपका 300। वैसे के पी टी का अगर लिखूं तो ए इंटू ई की पावर ई ए 41.4 किलो जूल में, तो 10 की पावर 3 आर, क्योंकि ये जूल में पुट करोगे, और बाय 300। यूनिट का खास ध्यान रखना है। अब हमें रेशियो ले सकते हैं, हम रेशियो लेंगे तो के एन आई बाई के पी टी आपका क्या हो जाएगा, ए ए कैंसल, तो ये ए की पावर ये ऊपर चला जाएगा तो प्लस में, तो आपका हो जाएगा 11.4 इंटू 10 की पावर 3 बाई आर इंटू 300। अब मैं दोनों साइड नेचुरल लॉग ले रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, ln ऑफ के एन आई बाई के पी टी इज इक्वल टू, ये बाहर आ जाएगा तो 11.4 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाई आर इंटू 300। अब हमें लॉगरिदम निकालना, डेट मीन्स लॉग विथ बेस 10, तो कन्वर्ट करेंगे तो नेचुरल लॉग ln इज इक्वल टू क्या होता है, ln x इज इक्वल टू 2.3 log x, हमें log निकालना है तो ये 2.3 डिवाइड में आ जाएगा, इसलिए log ऑफ के एन आई बाई के पी टी इज इक्वल टू 11.4 10 की पावर 3 2.3 r की वैल्यू 8.3 और ये 300। तो यहाँ दो जीरो से ये कैंसिल हो जाएंगे, इसको सॉल्व कर लो तो अप्रॉक्सीमेटली आपको आंसर आ जाएगा 2।
क्वेश्चन नंबर 9 में आपको रेट कांस्टेंट के गिवन है 0.03 एट 200 केल्विन, रेट कांस्टेंट के 0.05 है एट 300 केल्विन, तो एक्टिवेशन एनर्जी बताना है। एक चीज़ और यहीं पे ध्यान से देखो, ये भी पूछा जा सकता था। यहाँ देखो, टेम्परेचर अगर हमने बढ़ाया तो रेट कांस्टेंट भी बढ़ाए, डैट मीन्स ये इंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो ये भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नाउ यहाँ पे हमें एक्टिवेशन एनर्जी बताना है, तो वेरी सिंपल, अपना जो फॉर्मूला था वो क्या था, ln of K2 by K1 is equal to EA by R 1 upon T1 minus 1 upon T2, right? अब यहाँ पे आपको सब गिवन है, पुट कर दो एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगा। तो ln of K2, ये इसको K2 मानो, इसको K1, right? आपको बताया था जो बिग वैल्यू होंगे, तो 0.05 by 0.03, तो EA निकालना है by R 1 upon जो छोटा वैल्यू होगा ताकि ये बड़ा हो, इसको पॉजिटिव रखना है, तो 200 माइनस 1 अपॉन 300। तो यहाँ से ये नेचुरल लॉग को लॉग विथ बेस 10 में ले जाऊँ तो लॉग ये पॉइंट पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो 5/3 इज इक्वल टू ई ए निकालना है बाई आर 8.3 और 2.3 ये नेचुरल लॉग का लॉग में कन्वर्जन का, और ये 1/100 कॉमन आपका, तो 1/2 माइनस 1/3, तो यहाँ से ई आ जाएगा। log 5/3 को क्या ले सकते हो, log 5 माइनस log 3, log 5 जो होता है वो 0.7 और log 3 होता है 0.48, तो ये कितना आ जाएगा 0.22। तो यहाँ से देखो आप, ई ए कितना आ जाएगा 0.22 इंटू नीचे वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा 8.3 इंटू 2.3 इंटू में 100, और यहाँ ध्यान से देखो इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/6, तो 6 भी आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा सब, तो ये आ जाएगा आपको इनटू में 6, तो यहाँ से आपको आ गया ईए। अब जूल में बताना है तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो यू विल गेट अप्रॉक्सीमेटली 2520 जूल। क्वेश्चन नंबर 10 में रेट कांस्टेंट के गिवन है 1×10^-3 एट 300 केल्विन, एक्टिवेशन एनर्जी 11.48 किलो जूल पर मोल है, तो रेट कांस्टेंट के बताना है एट 200 केल्विन पे, x×10^-5 है तो x क्या होगा। तो ध्यान से देखो कैसे करेंगे, वही जो आपको फॉर्मूला बताया, ln of K2/K1 इज इक्वल टू EA by R 1/T1 - 1/T2। हमने क्या बोला था, इसको पॉजिटिव बनाना है, इसको भी पॉजिटिव बनाना है, तो ध्यान से देखो ये आपको किलो जूल में है, तो क्या लिखोगे 11.48×10^3 जूल्स में, क्योंकि आर की वैल्यू 8.3 आप पुट करोगे ये जूल्स में होगा, तभी कैंसिल होगा। 1 अपॉन यहाँ पे 2 ले रहे हो तो यहाँ पे 1 लेते हैं, राइट, 1/T1, तो यहाँ पे आपको 200 पुट करना पड़ेगा, कम वैल्यू से डिवाइड किया तो बिग वैल्यू हो जाएगी माइनस 1/300, दिस शुड बी इक्वल टू ln of, अब यहाँ पे 200 वाला है तो इधर आपको पुट करना पड़ेगा 10^-3/k जो कि निकालना हमें एट 200 केल्विन, राइट। अब ध्यान से देखो कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले इधर का सॉल्व कर लेते हैं, राइट, 11.48×10^3 बाय 8.3, इसका 100 कॉमन निकालोगे तो 1/100, 1/2 - 1/3 इज 1/6, इसको सॉल्व कर लो तो अप्रॉक्सीमेटली यू विल गेट 2.3। अब ये 2.3 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ln 10, क्यों, क्योंकि वी नो ln x इज इक्वल टू 2.303 log x, राइट। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि वी कैन राइट कि ln 10 इज इक्वल टू 2.303 log 10 1 हो जाता है, तो ln 10 कितना हो जाएगा 2.3, तो ln और इधर भी ln है कैंसिल हो जाएंगे, तो 10^-3/k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, तो इसलिए k कितना हो गया आपका 10^-4, हमें जो आंसर बताना है वो 10^-5 में, तो 10 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो तो यू विल गेट 10×10^-5, तो हमारा आंसर x कितना हो जाएगा 10, इंटीजर टाइप में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आई होप मेरा ये प्रयास आपको बहुत पसंद आया होगा, हमने आपको रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, उसके प्रॉब्लम को कैसे सिंपली सॉल्व करेंगे आपको आइडिया दे दिया है, आप इस पे बेस किसी भी प्रॉब्लम को आप कर सकते हैं। थैंक यू।